दोस्तों फाइनल यार मैं यहाँ पे बन चुका हूँ योगा टीचर। और यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं आपके फेवरेट अवेंजर्स लोग को योगा सिखा रहा हूँ। इसीलिए ध्यान से और अच्छे से करना, हल्क तुम्हारा पेट बहुत निकलता चला जा रहा है बर्गर खा खा के। इसीलिए योगा करो जिससे तुम्हारा पेट अंदर हो जाएगा। और स्पाइडरमैन तुम इतने पतले हो जिससे यार यहाँ पे हवा भी चलता है तो तुम हवे में उड़ जाते हो। आई लव फ्रैंकलिन क्योंकि मैं स्पाइडरमैन हूँ, मुझे बिल्डिंग में चढ़ना पड़ता है इसलिए मैं पतला हूँ। इतना भी पतला नहीं होना चाहिए कि दुश्मन अगर एक थप्पड़ मारे तो तुम 3-4 बार गुलाटी मार लो। तुम्हें भी यार हट्टा कट्टा बनना पड़ेगा। यहाँ पे आयरन मैन को देखो कितना फिट है, यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज को देखो कितना फिट है। डॉक्टर स्ट्रेंज तुम तो बहुत फिट हो यार, क्योंकि मैं जानता हूँ 1 apple a day कीप डॉक्टर अवे। अरे हाँ ये तो बहुत अच्छी बात कही तुमने। इसीलिए दोस्तों आप लोग कहते हैं लोगों 1 apple रोजाना जरूर खाना, इससे आप लोग डॉक्टर से दूर भाग जाओगे। ठीक है भाई, मजा आ रहा है ना तुम लोग को योगा करने में? फ्रैंकलिन यहाँ पे बहुत शोर है, हम लोग शहर में रहते हैं और यहाँ पे मेडिटेशन आराम से हो नहीं रही है। इतना ट्रैफिक का शोर, ये सब शोर बहुत ही ज्यादा सिर दर्द कर रहा है। यहाँ पे हम लोग मेडिटेशन से लेके योगा कुछ नहीं कर सकते हैं। आइला हाँ एकदम सही बात है, यहाँ पे इतना शोर हो रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा कि हम लोग मेडिटेशन करें तो करें कैसे। अरे योगा टीचर बताइए क्या करना चाहिए, इतने शोर शरामे में तो हम लोग यहाँ पे योगा ना तो मेडिटेशन कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा तुम लोग को प्रॉब्लम हो रही है? ओह नो गाइस, मेरे स्टूडेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है योगा करने में। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे स्टूडेंट गंदा परफॉर्म करेंगे और गाइस ये लोग मुझे फीस भी नहीं देंगे, इससे यार मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा। नहीं 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 मुझे ये लोग को अच्छा योगा कराना होगा। दोस्तों आप लोगों को तो पता ही है, अगर आप लोग को योगा या फिर मेडिटेशन ये सब चीज करना है तो आपको शांत वाली जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे चारों तरफ हरियाली हो और आप लोग शांति से कर पाए। ये ट्रैफिक वाले आजकल के दुनिया में ऐसा शांत जगह बहुत ही कम मिलता है, बट मुझे एक जगह पता है जहाँ पे हम लोग जा सकते हैं योगा करने के लिए। तुम सब लोग एक काम करो, आओ जल्दी से आके गाड़ी में बैठो, मैं तुम लोग को लेके चलता हूँ ऐसा जगह जहाँ पे ना गाइजर एकदम हरियाली हरियाली है और गाइजर शांत वाला माहौल है जहाँ पे ट्रैफिक एकदम नहीं होती। चलो गाइजर यहाँ पे सभी लोग बैठ चुके हैं, अब गाइजर ये लोग को एकदम शहर से दूर लेके चलते हैं जंगलों के पास, जहाँ पे गाइजर ये लोग मिल करके आराम से योगा मेडिटेशन सब चीज कर पाए, ध्यान लगा पाए। तो चलो जल्दी से चलते हैं। ये दुनिया में इतना ज्यादा ट्रैफिक और शोर शराबा हो गया ना कि भाई लोग 5 मिनट के लिए मेडिटेशन भी ढंग से नहीं कर सकते हैं। लेकिन चलो अब शांत वाली जगह पे चलते हैं। अवेंजर्स मेरे सारे के सारे स्टूडेंट ये देखो हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे कोई भी तुम्हें नहीं मिलेगा। एक सेकंड, ये इतनी बड़ी टोली क्या कर रही है यहाँ पे? ओए 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 ये जगह तो हमारा है, हम लोग यहाँ पे योगा करना है। ओए तुम लोग कौन हो? एक सेकंड, ये तो गाइस रेड डेविल बॉस है और ये तो पूरी की पूरी घोस्ट कमेटी की आर्मी है, ये लोग यहाँ पे क्या कर रही है? आइला योगा टीचर फ्रैंकलिन ये लोग यहाँ पे क्या कर रही है? इन लोग के साथ हम लोग योगा करेंगे? पागल हो गए हो क्या? अरे नहीं यार स्पाइडरमैन, ये लोग के साथ योगा नहीं करेंगे, तुम लोग यहीं पर रहो, मैं यहाँ पे पता करता हूँ। ओए तुम लोग सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? भाग जाओ यहाँ से, समझ नहीं आ रहा क्या? रेड डेविल बॉस को भगाते हो, तुम कौन हो? हम लोग यहाँ पे कितने टाइम से योगा कर रहे हैं, ये मेरे सारे के सारे स्टूडेंट है और मैं इनका योगा टीचर, तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? निकल जाओ यहाँ से। एक सेकेंड, ये तो हमारी बात हमें कोई चेप रहा है। ओए मैं अवेंजर्स लोग का योगा टीचर हूँ और हाँ मैं यहाँ पे आया हूँ अवेंजर्स लोगों को योगा सिखाने के लिए, तुम जाओ यहाँ से। नहीं तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, निकलो यहाँ से। हम लोग इतना टाइम से यहाँ पे योगा कर रहे हैं, आज नया नया आए हो पहला दिन और हमें यहाँ से निकलने को बोल रहे हो? अरे गाइस यार सारे के सारे स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? ओए तू जाता है कि नहीं जाता? तो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये ले निकल यहाँ से। योगा टीचर को गिराता मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं तुम्हारे चक्कर में मेरे सारे के सारे स्टूडेंट भाग जाएंगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुको मैं गाइजर इसे छोड़ूंगा नहीं, ये योगा टीचर बहुत ज्यादा तेज बन रहा है, ये रेड डेविल बॉस को तो मैं खत्म करके रहूंगा। ये रेड डेविल बॉस की ऐसी की तैसी बड़ाया यहाँ पे योगा सिखाने के लिए। रुको मैं तुम्हें अभी योगा सिखाता हूँ, ये ले। कैसा लगा योगा? मर जा, निकल जा यहाँ से। योगा आया है, पैर ही तोड़ दूंगा तुम्हारा योगा सीखने के चक्कर में, ये ले हट यहाँ से। और योगा सीखेगा ये ले, मैं तुम्हारे ऊपर गाड़ी चला देता हूँ। मजा आया योगा सीख के? रेड डेविल बॉस और योगा सीखोगे बताओ? आइला ये तुमने क्या कर दिया? ओए फ्रैंकलिन योगा टीचर ये तुमने क्या कर दिया? हमारे टीचर को मार दिया। ओह नो अब तो हम लोग केस करेंगे तुम्हारे पर, हमारे टीचर को मारा तुमने। एक सेकेंड मैंने कहा कुछ मारा? अरे एक सेकेंड क्या हो गया तुम्हें? अरे उठ जा भाई, पानी नहीं पिया था क्या? अरे उठ जा पानी लाओ, इसके मुंह में पानी छिड़को। अरे रुको मुझे ही पानी लाना पड़ेगा, रुको रुको पानी डालता हूँ। गाइस मैं इसके ऊपर पानी डाल रहा हूँ। अरे उठ जा भाई उठ जा। नहीं गाइस ये तो अभी भी नहीं उठ रहा। भाई ठीक है ना तू रेड डेविल बॉस? अरे रेड डेविल बॉस को हो क्या गया है? ओ ये हो क्या गया?
ये क्या, फ्रैंकलिन ने हमारे टीचर योगा टीचर को मार दिया। दोस्तों ये देखो कितना बुरा किया ये लोगों ने। एक सेकंड, ओए सर्बियन डांसिंग लेडी रो क्यों रही है? अरे मैं कुछ करता हूँ ना, ठीक मैं करता हूँ। अरे अवेंजर्स लोग मदद करो यार, ये क्या हो गया? देखो यार ये हो क्या गया है, वो उठ नहीं रहा है। फ्रैंकलिन सर ये हमारी प्रॉब्लम थोड़ी ना है, आपने जाके लड़ाई की है आप ही समझिए। अगर पुलिस आके बताएगी तो हम लोग तो साफ साफ कह देंगे आपने जानबूझ करके गाड़ी चढ़ा दी रेड डेविल बॉस के ऊपर। एक सेकेंड, अरे तुम लोग कितने दोगले हो बाबा, तुम लोग कितने दोगले हो। गाइस मुझे यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा ये रेड डेविल बॉस को ठीक करने के लिए। अरे सर्बियन डांसिंग लेडी रो मत, मैं ठीक कर रहा हूँ तुम्हारे सर को। मैं क्या करूँ क्या करूँ समझ नहीं आ रहा दोस्तों, अब मैं क्या करूं। एक सेकेंड, यहाँ पे एक एम्बुलेंस है एंड गाइस एम्बुलेंस के अंदर फर्स्ट एड बॉक्स तो जरूर होगा। चलो गाइस एक काम करती है, रेड डेविल बॉस को एम्बुलेंस के अंदर डालते हैं और गाइस मैं इसको ऑपरेशन कर देता हूँ। अगर गाइस हम लोग इसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं ना तो वहां पे पुलिस आ जाएगी, फिर अगर पुलिस को पता चल गया कि मैंने यार रेड डेविल बॉस को मारा है तो वो मुझे जेल ले जाएगी। ये मैं कतई नहीं चाहता, इसीलिए गाइस चलो एक काम करते हैं, इसे उठाते हैं एम्बुलेंस के अंदर डालते हैं और मैं इसका ऑपरेशन करता हूँ। अरे रो मत यार सर्बियन डांसिंग लेडी, मैं इसका ऑपरेशन कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये देखो ये रहा रेड डेविल बॉस एंड गाइस इसकी हालत बहुत ही खराब है। मुझे लगता है गाइस मुझे ना इसका यार यहाँ पे दिल को चेंज करना पड़ेगा। रेड डेविल बॉस का दिल ही खराब हो चुका है और यहाँ पे नया दिल आ चुका है, तो मैं इसका दिल पूरे तरीके से चेंज करूंगा। तो अब मैं योगा टीचर से डायरेक्ट बन चुका हूँ डॉक्टर, उसके लिए गाजर 1 लाख तो बनता है। अब गाजर चलो इसका पेट हटाते हैं और देखते हैं रेड डेविल बॉस का पेट कैसा है। हट जा भाई हट जा, पेट हट जा। ओके इसका पेट तो पूरे तरीके से बाहर आ चुका है। और ना इसका स्किन कहाँ चला गया, यहाँ पे तो स्किन हुआ करता था। लगता है गाजर अब मुझे ना इसको पेट को काटना पड़ेगा। आरी भी है मेरे पास। ओके आरी से काटते क्या डॉक्टर? भाई मैंने सच में यार डॉक्टर की डिग्री नहीं ली है, आप लोग मानो ये बात। अब गाजर मुझे नहीं पता लेकिन गाइजर इसका पेट मुझे काटना ही पड़ेगा। लेट्स गो गाइजर काटते हैं। एंड गाइजर इसका पेट कट रहा है क्या पता नहीं, बट खून तो बाहर निकल रहा है। पेट कट रहा है कि नहीं कट रहा है ये नहीं पता। चलो यार ये काटते हैं। कट जा भाई कट जा। नहीं गाइजर इससे तो पेट तो नहीं कट रहा। लेट्स गो छोड़ दो इसे। अब क्या करें, अब क्या है? ओके हथौड़ा। हाँ भाई मैं हथौड़ा से ये वाली हड्डी तो तोड़ सकता हूँ ना। मैं भी यार क्या कर रहा हूँ, हथौड़ा आ जा। ओके ये रहा हथौड़ा। अब गाइजर ये हथौड़े से मैं गाइजर इसकी हड्डी तोड़ने वाला हूँ। अरे टूट जा हथौड़ा था, टूट जा। ये ले मार का पूरे तरीके से मैं गाजर इसका हड्डी तोड़ दूंगा। ये ले। ओके गाजर मैंने यार इसका यहाँ पे हड्डी तोड़ दिया है। ओ नो सच में गाजर यहाँ पे हड्डी टूट रही है। ये देखो मैंने गाजर बीच की हड्डी पूरी तरीके से तोड़ दी। अब गाजर साइडों की हड्डी तोड़ते हैं। एंड गाजर सच में इसे कंट्रोल करना तो बहुत ही मुश्किल है। ये देखो मैं गाजर हड्डी तोड़ रहा हूँ, हड्डी में वाइब्रेशन आ गया। ओके मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, बट गाजर मैं यहाँ पे चाहे कुछ बजाय मैं सारी की सारी हड्डी तोड़ दूंगा। ये लो ये लो ये लो पूरे तरीके से हड्डी तोड़ दिया मैंने। अब गाजर यहाँ पे हड्डी तोड़ने के बाद मैं गाजर यहाँ पे हड्डी निकालने वाला हूँ बाहर। ओके बाहर आ जाएगा ना, आजा बाहर आजा। ओके एक हड्डी बाहर आ चुका है। ये ले रेड डेविल बॉस तुम्हारी हड्डी है। अब यार ये सेकंड बचा, इसे भी बाहर निकालते हैं। ये लो तुम ही खा लो हड्डी अपनी। ओके आधी हड्डी तो हो चुकी है। और वो देखो वो रहा दिल जो गाजर बहुत ही जोरों से धड़क रहा है, उसे ही मुझे यार बंद करना होगा और नया दिल डालना होगा जिससे ये अच्छे से धड़के। ओके गाइस मुझे साइड वाली भी यार हड्डी तोड़नी पड़ेगी, बट इसे हथौड़े से तो मैं नहीं तोड़ सकता, शायद मैं ड्रिल मशीन से तोड़ सकता हूँ। तो लेट्स गो ड्रिल मशीन। अरे हट जा हथौड़े। और गाइजर पता नहीं इससे क्या होने वाला है, इससे गाइजर क्या मैं कान साफ करूंगा? भाई ये तो एयर पिक्स है ना जिसे गाइजर कान साफ करते हैं। क्या मतलब मैं यहाँ पे इसका कान साफ करने के लिए बैठा हूँ, रेड डेविल बॉस का कान साफ करूंगा? पागल उगल हो गए क्या दोस्तों, ये क्या चल रहा है? मतलब कि हॉस्पिटल में भी ये सब क्या रहता है यार पता नहीं चलता। लेकिन यार इससे मैं क्या उठा सकता हूँ। ये ले अपना कान साफ कर ले रेड डेविल बॉस पूरे अच्छे तरीके से। वो नो गाइजर मैंने सब चीज नीचे गिरा दिया, बट एक चीज बचा है। ये है गाइजर ड्रिल मशीन जिससे गाइजर हम लोग घर में पर्दे और पाकी डंडा लगाते हैं। इसे गाइजर मैं उठाता हूँ और गाइजर यही ड्रिल मशीन से अब मैं इसके दिल में छेद करने वाला हूँ। रुको ये लो पूरे तरीके से छेद हो जाओ। ओके गाइजर इससे तो मुझे नहीं लगता होने वाला है कुछ, क्योंकि यार ये तो छेद से ज्यादा तो नुकसान ही पहुंचा रहा है। ये देखो मैंने अंदर पूरा ड्रिल मशीन चला दिया, पूरा मिक्सर बना दिया है, बट अंदर में गाइजर अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। इसका ये मतलब है ड्रिल मशीन से तो नहीं होने वाला। एक सेकेंड ये गाइजर कटर। अच्छा मुझे ये कटर से काटना था। ओके इससे मैं काटता तो गाइजर हड्डी अच्छे से कट जाती, अब मैं समझा। ओ नो गाइजर खून ज्यादा लॉस हो रहा है, अब मैं क्या करूं, रेड डेविल बॉस को बचा भी पाऊंगा कि नहीं? ओ नो गाइजर लगता है मैं रेड डेविल बॉस को यहाँ पे नहीं बचा पाऊंगा। माफ करना रेड डेविल बॉस, बट मैं अब तुम्हें नहीं बचा पा रहा। ओ नो रेड डेविल बॉस मर गया क्या? मुझे एक और चांस दे दो प्लीज, एक और चांस दे दो दिल को यार वापस से ठीक करने का है। दोस्तों एक और चांस मिल गया,
ओनो मैं भूल ही गया था, रेड डेविल बॉस इंसान थोड़ी ना है, जो यार एक बार मर गया तो दोबारा से जिंदा नहीं हो सकता, ये तो बार बार जिंदा हो सकता है दोस्तों। अब अच्छा बात है, चलो गाइस इसे एक और बार मारते हैं, मतलब एक और बार ठीक करते हैं। चलो ठीक करने की कोशिश करते हैं, इस बार यार मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मुझे हार्ट अटैक दिलाता है कि तू मर रहा है। तेरे चेहरे में ड्रिल मशीन चलाना था, बट ड्रिल मशीन तो नीचे गिर चुका है। अब मैं क्या चलाऊंगा, अब मैं ये आड़ी चलाऊंगा, रुक जा, इसके चेहरे में चलाऊंगा ना तभी से समझ में आ जाएगा। अरे हाथ में तो एक बार आजा भाई, आजा आजा एक बार हाथ में आजा, आ गया। अब तेरे चेहरे में ही चलाऊंगा, ये ले पूरे तरीके से चेहरे में मैं इसे चलाने वाला हूँ, ये ले पूरे तरीके से तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा रेड डेविल बॉस, ये ले मर जा पूरे तरीके से। ओके गाइस यार मैंने इसके चेहरे में सच में चला दिया है, अब यार जो भी चीज होगा ना पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं सब चीज चलाने वाला हूँ, ये हथौड़ा भी चलाने वाला हूँ, ये ले हथौड़ा भी तेरे चेहरे मारूंगा। तेरे चक्कर में यहाँ के सारे पुलिस लोग मेरे पीछे पड़ने वाले हैं, क्योंकि मुझे जेल में डालने वाले, क्योंकि तू मरने वाला है। ये ले मारखा मारखा और मारेंगे मैं तुम्हें, ये ले मारखा पूरे तरीके से मर जा। गाइस इससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, अब क्या है इसे टॉर्चर करने के लिए, अरे इंजेक्शन, वाह भाई वाह इंजेक्शन से। गाइस यार बचपन में मुझे बहुत डर लगता था और अभी भी डर लगता है, आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको डर लगता है कि नहीं लगता। ओ नो ये क्या, गलती से इंजेक्शन मैंने खुद को डाल दिया और ये क्यों हो रहा है भाई, सब धुंधला धुंधला लागे रहे, ये चल क्या रहा है दोस्तों, इतना खतरनाक इंजेक्शन भाई यहाँ पे क्यों रखा भाई, इससे तो मुझे चक्कर आ रहे, ये इंजेक्शन नहीं गाइस ये ड्रग्स है, ड्रग्स नशे हो रहे इससे। ओके अरे ये इंजेक्शन को ठीक करने वाला इंजेक्शन का है लगता है, गाइस ये है और ये मुझे पड़ गया और मैं ठीक हो गया, तो जो राइट में है ना उससे यार जो भी गाइस ये ग्रीन वाले इंजेक्शन से असर होता है ना उससे यार ठीक हो जाता है। चलो ये ग्रीन वाला इंजेक्शन ना रेड डेविल बॉस को देते हैं और गाइस नशे की सैर कराते हैं, नशे ही नशे हैं, सस्ते नशे, चलो इसे जल्दी से लेके चलते हैं। ये रहा इंजेक्शन, अब गाइस चलो इसे मार देते हैं इंजेक्शन, ये लो फाइनली मैंने मार दिया और गाजर सच में खून गिरना बंद हो गया इंजेक्शन मारने से। ओ लो ये फिर से मैंने मार दिया और सच में खून बंद हो गया दोस्तों, ये इंजेक्शन तो कमाल का, फिर से मारता हूँ मैं, ये लो पूरे तरीके से मैं मार रहा हूँ, ये लो अरे वाह दोस्तों ये इंजेक्शन तो कमाल का है, जैसे जैसे मैं मार रहा हूँ और जैसे खून तो गिर ही नहीं रहा है, चलो कमाल का इंजेक्शन है ये, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये फिर से मुझे लग गया। ओ नो ये इंजेक्शन मुझे बार बार लग जा रहा है, अब गाजर मैं क्या करूँगा, अब तो मुझे सच में नशे जैसा लग रहा है। ये कैची को उठाता हूँ, कैची उठ गया ना, नहीं गाजर नहीं हुआ। ओके ये है रेड डेविल बॉस का दिल, चलो गाजर ये दिल ही इसका देता हूँ, ले भाई ये ले अपना दिल पकड़ और खुद से लगा लेना, मुझे छुट्टी कर दो, मुझे जाने दो, मुझे छुट्टी कर दो, टाटा बाय बाय। गाइस लगता है मुझे इसको फिर से ठीक करना ही पड़ेगा, मतलब कि चाहे कुछ भी हो जाए ऑपरेशन करना ही पड़ेगा अच्छे से। चलो गाइस यार अब मैं यहाँ पे इसको ना अच्छे तरीके से ऑपरेशन करने वाला हूँ, अब मुझे यहाँ पे कुछ भी करके रेड डेविल बॉस को ठीक करना होगा, जिससे गाइस यार अब मैं योगा टीचर से डायरेक्टली डॉक्टर फ्रैंकलिन बन जाऊँ और सब मुझे डॉक्टर फ्रैंकलिन बोले, अगर मैं इसे ठीक कर दूंगा तो यार सच में मैं डॉक्टर बन जाऊंगा और सब मेरी इज्जत करेंगे बाहर में। चलो बढ़िया है, सबसे पहले गाइस यार मुझे यहाँ पे इसकी हड्डियों को काटने के लिए ये औजार की जरूरत है, तो यहाँ पे मैं चाय कॉफी तो पीने नहीं आया इसीलिए मगू को जितना हो सके मैं साइड कर देता हूँ, और ये रहा वो औजार, इसी से गाइस यार मैं यहाँ पे काटने वाला हूँ इसका हड्डियाँ, तो लेट्स गो तोड़ दूंगा इसकी सारी हड्डियाँ, ये लो मैं गाइस इसकी हड्डियाँ तोड़ने वाला हूँ पूरे तरीके से। हड्डी टूट गया एक तरफ का तो टूट गया, दूसरी तरफ का भी तोड़ते हैं, ये ले अरे वाह ये करना तो बहुत ही आसान था दोस्तों, सच में देख रहो ये करना सच में आसान है। गाइस देख रहो मैं यहाँ पे सारी की सारी हड्डियाँ तोड़ रहा हूँ, अरे वाह सच में गाइस ये तो आराम से हो गया। अब इस तरफ का हड्डी तोड़ते हैं, ओके ये भी टूट गया, अब इधर का बारी, ओके अब बस यार तीन हड्डी बची है जॉइंट वाली, इसे भी तोड़ दूंगा मैं और ये भी टूटने वाला, ये लो टूट गया, अब दूसरी तरफ की बारी। सच में गाइस यार इसकी हड्डियां तोड़ने में तो इतना मजा आ रहा है ना कि भाई इसको मारने से ज्यादा मजा इसकी हड्डियां तोड़ने में आ रहा है, ये देखो मैंने गाइस यार इसकी हड्डियां पूरे तरीके से तोड़ डाली है, अरे वाह अरे नीचे मत गिरना। ओ नो गिर गया, बट अब लगता है मुझे उसकी ज्यादा जरूरत है नहीं, इसलिए गिर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब गाजर यहाँ पे मेन हड्डी को मैंने निकाल के फेंक दिया बाहर, अब गाजर यहाँ पे देख रहे हो इसके फेफड़े हैं, ये सिगरेट बहुत ही पीता लगता है दोस्तों, इसलिए इसके फेफड़े इतने काले हो चुके हैं, देख रहे हो काले तो नहीं बट ब्राउन हो चुके हैं। ओके इसके फेफड़े निकालता हूँ मैं, फेफड़े बाहर आ जा ये देख रहे हो दोस्तों फेफड़े से कितने गंदे फेफड़े हैं, हट यहाँ से फेफड़ा कहीं का निकल, और यार यहाँ पे दूसरा फेफड़ा है और इसे भी गाजर निकाल देते हैं, इधर आ जा बाहर आ जा, ओके ये फेफड़ा भी निकल चुका है। अब गाजर मुझे यहाँ तक लगता है ना मुझे यहाँ पे दिल दिख रहा है, बट गाजर वो स्टमक के नीचे है, तो मुझे ये पिंक वाला जो है ना वो पेट है इसका, मुझे ये भी काटना पड़ेगा। उससे पहले गाजर ये जो लीवर है इसे निकाल देता हूँ मैं, हाथ लीवर तक जाएगा मेरा, जाना तो चाहिए, देखता हूँ, ओके हाथ लीवर तक चल जा भाई, ओके फाइनली मुझे यहाँ तक पहुँच गया और ये देखो ये रहा लीवर। अब गाजर यहाँ पे बीच में काटते हैं, तो कटिंग करने के लिए गाजर मुझे यहाँ पे बहुत सारी छुरी मिली है, तो चलो गाजर यहाँ पे छुरी से काट देते हैं, लेट्स गो, यहाँ पे हथौड़ा हट जा भाई, ओके अब मुझे यहाँ पे छुरी चाहिए,
तो लेट्स गो, लेट्स गो गाइस। एक छुड़ी को उठाते हैं। उठ जा भाई अच्छे से, दो नहीं एक चाहिए बस मुझे। लगता है अच्छे से उठ चुकी है। अब गाइस मुझे यहाँ पे कटिंग करना पड़ेगा, तो चलो गाइस कट करते हैं यहाँ पे। ओके कट करो, हो जा हो जा हो जा। अरे भाई इसे कट करना तो सच में महा मुश्किल है दोस्तों, ये तो कट ही नहीं हो रहा है। ओके चलो भाई कट करते हैं, हो जा ना, नहीं हो रहा दोस्तों, नीचे कट करते हैं, चलो देखते हैं। हो जाया, हो जा, हो गया, फाइनली हो गया। अब ऊपर की बारी है, ऊपर भी कट हो जा, और ऊपर भी कट हो चुका है। अरे वाह फाइनली हम लोग ने यहाँ पे पेट को कट कर दिया है। अब गाइस यहाँ पे पेट तो कट हो चुका है, पेट को बाहर भी निकाल देते हैं। निकल जा भाई। ओके पेट भी बाहर आ चुका है, ये देखो पिंक पिंक पेट ही है। और गाइस खून कुछ ज्यादा ही निकल रहा है, उसके लिए गाइस मुझे इसको ना नशे वाले ये इंजेक्शन पिलाने पड़ेंगे, मतलब लगाने पड़ेंगे। अरे नशे वाले इंजेक्शन मुझे मत लग जाना, तो वरना भाई साहब इसका असर ना इतना खतरनाक होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। चक्कर ही चक्कर आते हैं, ये रहा इंजेक्शन। अब गाइस इसे इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे गाइस खून गिरना सच में बहुत कम हो जाएगा। एंड हाँ खून गिरना कम हो चुका है, यही तो बात है। अब गाइस मुझे यहाँ पे दिल को अलग करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी गाइस मुझे दिल को अलग करने के लिए कैची की चाहिए, कैची या फिर गाइस चाकू, लेकिन मैं यूज करने वाला हूँ कैची, जिससे गाइस ये दिल आराम से अलग हो जाएगा। ओके कैची हाथ में आ जा भाई, एक तो हाथ में आ जा, पानी यार एक हाथ में आ चुका है। अब गाइस इसकी मदद से मैं गाइस यहाँ पे अलग करने वाला हूँ दिल को। कट जा भाई आराम से कट जा, अरे अच्छे से कट जाना भाई, दिल को अलग हो जा प्लीज, अलग हो जा भाई दिल। भाई कैची से हो तो जाएगा ना, मुझे नहीं पता, शायद छुरी से ही होगा, बट कर तो रहा हूं मैं। अरे कट जाना भाई कैची से, नहीं गाइजर कैची से नहीं कटने वाला, ये तो गाइजर छुरी से ही कटने वाला है। ये रेड डेविल बॉस का पता नहीं दिल बिना बहुत ही जिद्दी है, सच बता रहा हूँ। चलो कोई नहीं, अब गाइजर डॉक्टर बनना है तो ये सब चीज करना ही पड़ेगा, तो लेट्स गो। फाइनली मैंने कैची, फाइनली मैंने छुरी उठा ली है। अब गाइजर कट करने की बारी है, तो लेट्स गो कट करते हैं। यहाँ से जो भी हो सकता है मैं सब कट कर दूंगा, सारा का सारा चीजें माल मसाला सब निकाल दूंगा। अरे हट जा भाई, कट हो जा आराम से, एंड इधर भी कट हो जा। ओके दोस्तों अंदर से देखो खून कितना निकल रहा है, सच में बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। फाइनली गाइस दिल अलग हो चुका है और खून ज्यादा निकल रहा है, उसको रोकने के लिए मुझे वापस ये वाला बेहोशी वाला इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, जिससे गाइस खून गिरना बंद हो जाए। ओए ये ले इंजेक्शन, ये ले, खून गिरना सच में बंद हो जाएगा गाइस ये इंजेक्शन से। ये ले फाइनली खून गिरना बंद हो चुका, ओनो इंजेक्शन वहीं पर रह गया, रहने दो इससे ज्यादा जरूरत है इंजेक्शन की। अब गाइस ये दिल को निकालते हैं, एंड दिल अच्छे से निकल जा भाई, अच्छे से निकल जा। अरे भाई निकल जाना, निकल गया, फाइनल दिल निकल चुका है। अब गाइस बारी है नए दिल को लगाने की, चलो नया दिल लगाते हैं। इसके अंदर है गाइस नया दिल चमचमाता हुआ। अब गाइस मैं रेड डेविल बॉस के अंदर नया दिल लगा रहा हूं, और यार यहां पे मैंने फाइनली रेड डेविल बॉस को ठीक कर दिया है, सर्जरी कंप्लीट। फाइनली गाइस मैंने यहाँ पे रेड डेविल बॉस को ऑपरेशन कर दिया है, और रेड डेविल बॉस पहले से भी ज्यादा चंगा पंगा हो चुका है, देख रहे हो पूरे तरीके से चंगा हो चुका है। क्यों रेड डेविल बॉस ठीक हो ना? ठीक तो हूँ, बट तुमसे बदला जरूर लूंगा, याद रखना फ्रैंकलिन योगा टीचर, मेरा बदला खत्म नहीं हुआ अभी तक। आइला हाँ योगा टीचर, अब बताइए कहाँ योगा करना, बताइए बताइए। हाँ योगा टीचर बताइए कैसे योगा करना है। योगा, योगा क्यों, अब मैं फ्रैंकलिन योगा टीचर नहीं हूँ। अरे सर आप तो फ्रैंकलिन योगा टीचर हैं, आप ये क्या बोल रहे हैं। आइला हाँ आप तो योगा टीचर हैं। योगा टीचर था जब से मैंने यहाँ पे रेड डेविल बॉस का ऑपरेशन किया है, तब से मैं अब डॉक्टर बन चुका हूँ। अब तुम सब लोग मुझे फ्रैंकलिन डॉक्टर लगाओगे, ठीक है दोस्तों। अब से मैं गाइस फ्रैंकलिन डॉक्टर बन चुका हूँ, क्योंकि यार आपको तो पता ही है अपन यार यहाँ पे डॉक्टर भी अच्छे तरीके से कर ले रहे, तो योगा टीचर कौन बनेगा। तो गाइस अब से आपका भाई फ्रैंकलिन बन चुका है फ्रैंकलिन डॉक्टर, इसलिए कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी फ्रैंकलिन डॉक्टर ओपी लिख देना। आई होप गाइस आपको आज का एपिसोड पसंद आएगा, पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय दोस्तों।